नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान और इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। गुड़गांव में महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों में घिर गई है। दिन दहाड़े कॉलेज के गेट से एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया, जिसने पुलिस और प्रशासन के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए दिन किए जाने वाले दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो साइबर सिटी गुड़गांव से छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है और छात्रा गुड़गांव के डीएसटी कॉलेज की बताई जाती है। छात्रा इस कॉलेज में पढ़ती थी। बताया जा रहा है कि छात्रा को कॉलेज के गेट के सामने से ही बदमाश गाड़ी में डालकर फरार हो गए। और जो फुटेज जो सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज, इसमें आप देख सकते हैं गाड़ी में जब छात्रा को ले जा रहे हैं तो वो छूटने की कोशिश कर रही है, छटपटा रही है। दो युवक उसको देखते हैं, भागते हैं उसके पीछे, लेकिन उसको बचाने में नाकाम रहते हैं। और मुश्किल ये है कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सुबह 10 बजे की ये घटना है, लेकिन पुलिस अब तक ये पता लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है कौन बदमाश थे। यहां तक कि ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि छात्रा कौन थी, और ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि किस इरादे से इस छात्रा का अपहरण किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, जिसमें गाड़ी में छात्रा को ले जा रहे हैं बदमाश और छूटने की पूरी कोशिश कर रही है। दो युवक उसका पीछा करते हैं, लेकिन इस गाड़ी पर ना तो कोई नंबर प्लेट है, और यही एक वजह बताई जा रही है कि इस गाड़ी के बारे में कोई अता पता पुलिस को नहीं लग पा रहा है। बिना नंबर की एक गाड़ी में आए थे बदमाश, और बदमाशों की संख्या चार थी। ये जो चश्मदीद थे इस घटना के, उनके बयान के बाद यह बात सामने आई है। और दिन दहाड़े जिस तरीके से गुड़गांव में अपहरण की वारदात हुई है, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर कितने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साढ़े 9 बजे कंट्रोल रूम में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची को कुछ लोग ले गए हैं स्विफ्ट गाड़ी के अंदर, तो उसकी जांच चल रही है भी, लड़की के बारे में भी और ले जाने वालों का भी कुछ। और इस घटना के चश्मदीद लोग, जिन्होंने इस घटना को होते हुए देखा है, इस वारदात को होते हुए देखा है, उन्होंने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। कॉलेज में यहाँ से लड़की आई है। कहाँ की कॉलेज की है? कॉलेज पता नहीं, कॉलेज में से लड़के को। कौन सा कॉलेज है? डीएफडी कॉलेज। हाँ। कॉलेज लड़की को लेके आए यहाँ से। अच्छा। लड़की को बकायदे उन्होंने यहाँ से पकड़ा है और गाड़ी में घेरा है, स्विफ्ट गाड़ी के अंदर। स्विफ्ट गाड़ी के अंदर घेर के उन्होंने यहाँ से गाड़ी रोके, पीछे गया उनके, और उन्होंने क्या करा है, गाड़ी लड़की ने हेल्प करी, बचाओ बचाओ, मैं शटर चार खा तक पीछे गया हूँ, और लड़के वो गाड़ी वाली शटर चार खा जब थोड़ी तरफ गई है। तो स्विफ्ट गाड़ी में लड़की को बदमाश ले गए हैं, चश्मदीद लोगों का बयान है। बिना नंबर की गाड़ी है, पुलिस के लिए मुश्किल यह है कि कैसे इस गाड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस हासिल करे, ये एक बड़ा सवाल पुलिस के सामने है। और इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और एनसीआर हो, गुड़गांव हो, हरियाणा के और भाग हो, या दिल्ली का और भाग हो, इस तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री को भी चाहिए, जो खट्टर साहब हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनको भी चाहिए, और ये भाजपा के लोग हैं जो ये नारा लगा के आए थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार और अब की बार खट्टर सरकार, और उनके इसमें लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और हम लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आलोक उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है लड़की छूटने की कोशिश करती है बदमाशों के चंगुल से, दो लोग उसके पीछे भागते भी हैं, और इन्हीं लोगों का बयान है कि बदमाशों की गिनती चार थी। फिलहाल क्या पुलिस कोई कदम आगे बढ़ा पाई है, कोई जानकारी मिल पा रही हो पुलिस की कार्रवाई को लेकर? देखिए, पुलिस कमिश्नर का थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया कि हम लोग जांच कर, हम लोग जगह जगह हम लोगों ने नाका लगा रखा है और हर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई ऐसा सुराग नहीं लग पाया है जिससे यह पता चल पाए कि वो छात्र स्विफ्ट गाड़ी में जो बदमाश थे वो छात्रा को लेकर कहाँ गए हुए हैं और कहाँ उन्होंने रख रखा है। अब तक पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, जैसे होटल की करें, जगह जगह जो गुड़गांव शहर के जो आसपास, जैसे दिल्ली है, उस रास्तों पर भी नाकाबंदी कर रखी है, और क्या कहते हैं रास्ते पर पुलिस ने नाका लगा रखा है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी ऐसा कोई सुराग नहीं लग पाया जिससे यह जानकारी मिल पाए कि आखिर ये लोग गए कहाँ हैं। जी,
जी आखिर ये लोग गए कहाँ, ऐसा अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। आरोप अगर इस कॉलेज की लोकेशन की बात की जाए, डीएसटी कॉलेज जहां से इस छात्रा का अपहरण किया गया है, इस कॉलेज की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है गुड़गांव में, कहाँ ये मौजूद है, किस तरीके से, कितना, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि काफी ट्रैफिक वाला इलाका है जब ये बदमाश इस छात्रा को लेकर वहां से फरार हुए हैं। देखिए जिस वक्त ये घटना घटी है उस वक्त भी काफी ट्रैफिक की समस्या जो आए दिन इस रोड पे लगातार रहती है, क्योंकि ये रोड है ओल्ड रेलवे स्टेशन रोड है, यहाँ से राजीव चौक से रेलवे स्टेशन के लिए जाया जाता है, और इस रोड पर ऐसी ट्रैफिक की व्यवस्था है जो ऐसे लोग हैं जहाँ अगर एक बार गाड़ी जाम में फंस गई तो वो लोग लगभग एक घंटे से रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचते हैं। उस बीच अगर यह लड़के जिस तरह से छात्रा को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए हैं तो इससे तो साफ तरह यह लग पा रहा है कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आसपास ही होंगे, लेकिन पुलिस जांच कर रही है और जगह जगह जो होटल है जो रेस्टोरेंट है उनमें भी छापेमारी कर रहे हैं, उनमें भी इनकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। और पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पे हैं और जगह जगह जो शहर के जो बिल्कुल जितने भी जिले जो है शहर के करीबी उन जिलों के जो मेन सड़कें हैं उनमें पुलिस ने नाका लगा रखा है। जी आलोक जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, आसपास का इलाका काफी ट्रैफिक वाला है, रंजना कुमारी वुमेन एक्टिविस्ट है, वो क्या कह रही है ये भी हम अपने दर्शकों से सुनाए थे। कॉलेज के बाहर से सुबह एक लड़की को जो है कह सकते हैं कि किडनैप करके लेके गए, पुलिस जो है अभी तक उसमें कुछ ढूंढ नहीं पाई है। देखिए बहुत ही अद्भुत घटना हो गई और इस तरह से पुलिस की लापरवाही, और कॉलेज के बाहर अगर लड़की निकल के सुरक्षित नहीं है तो कौन अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजेगा। और दूसरी बात है कि अगर वो उसको जिस तरह से वो लोग खींच के ले गए हैं, जिस तरह से गाड़ी, तो गाड़ी कहाँ गायब हो गई, वो लड़के कहाँ गायब हो गए, पुलिस तत्काल इसमें एक्शन ले और इस तरह से सुरक्षा की जो पूरी व्यवस्था बना रखी है चारों तरफ, जहां कोई भी महिला लड़की अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, ये कब तक कैसे चलेगा, फिर बच्चियां काम कैसे करेंगी, कॉलेज कैसे जाएंगी, बाहर घर से कैसे निकलेंगी, ये माहौल बदलना बेहद जरूरी है। पुलिस तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार करे, खोजबीन करे, पूरी अपनी मशीनरी को लगा के कहीं से भी उसको किसी भी गड्ढे में से वो गाड़ी खोद के निकाले, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की बात है जो आज हो रहा है। Well, this is amazing. Look at the law in order. तो पुलिस कैसे भी करके इस लड़की को बचाने की कोशिश करे, ये कहना है विमेन एक्टिविस्ट रंजना कुमारी का। और आलोक लगातार हमारे साथ मौजूद है, पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से। पंकज, गुड़गांव क्यों ऐसे शहर के तौर पर मशहूर होता जा रहा है जहां पर लोग मदद के लिए आगे नहीं आते एकदम से? देखिए जिस तरह से आज सुबह 10 बजे ये घटना घटी है काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला वो इलाका है और जहां पर जिस तरह से, क्योंकि बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ये कॉलेज है और करीब उस समय काफी भीड़ थी और कुछ काफी लोगों ने देखा, पर हैरानी की बात है कोई भी आगे नहीं आया उनको बचाने के लिए। और जिस तरह से ये लोग गाड़ी में खींचकर लड़की को ले गए तो उनकी पूरी हिम्मत थी, पूरा उन्होंने एक प्लान बनाकर आए थे, उन्होंने जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि पूरी उन्होंने ध्यान रखा था कि लड़की किस समय जाती है, पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि क्या वजह है और अभी तक कहां लेकर उसे गए हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हर जगह पर अभी नाकेबंदी की जा रही है, और क्योंकि सबसे बड़ी पेचीदगी की जो बात सामने आ रही है, जो सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, पूरी तैयारी के साथ वो बदमाश आए थे और दोनों तरफ गाड़ी का नंबर नहीं था और सफेद गाड़ी की नाकेबंदी के दौरान अब सफेद गाड़ी जो स्विफ्ट बताई जा रही है पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था। आलोक उपाध्याय हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आलोक, गाड़ी का नंबर प्लेट ना होना, ना फ्रंट में और ना बैक में, दोनों तरफ गाड़ी के नंबर प्लेट ना हो, और ऐसी गाड़ियां अगर साइबर सिटी में घूम रही हैं तो फिर ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? देखिए बिल्कुल ये ट्रैफिक पुलिस भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की गाड़ियां जो आए दिन सड़कों पर घूम रही है, ये अगर ये गाड़ी आई होगी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अगर जो डीएजी कॉलेज है जहां ये पूरी घटना ठीक सामने 1 किलोमीटर के दूरी, आपकी बात सुनेंगे इस वक्त निर्मला सावंत कुछ कह रही है, उनकी बात हम सुनाए थे। सीसीटीवी फुटेज में भी काफ़ी मटेरियल है जिसमें पुलिस उनको नैप कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग है कि नेम प्लेट भी गाड़ी के ऊपर पीछे से नहीं है, तो पुलिस को इसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट, ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। मुझे तो बहुत कंसर्न उस लड़की का लग रहा है जो किडनैप हो गई है, पता नहीं जितने जल्दी उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा उतने उसकी सुरक्षा
नहीं तो खतरे में रहेगी. तो आई एम रियली वेरी मच पर्सनली एंड अदरवाइज ऑल्सो कंसर्न फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दैट गर्ल. उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इमीजिएटली लापरवाही न दिखाते हुए या तो पासिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन और उसको रूटीनली न लेते हुए उसको इमीजिएटली एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं. पुलिस चाहती तो वो कर सकते हैं. मैम कहीं ना कहीं जो वहाँ पे लोग थे, क्राउडेड एरिया है पूरा, वो जैसे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के उनके ऊपर सिक्योरिटी पे भी एक ये एक कंसर्न नहीं पैदा करता कि इतने लोग होने के बावजूद ऐसी वारदात हो जाती है? बिल्कुल. मतलब जो कल्प्रिट है वो एक तो हैबिचुअल है नंबर वन, तो ये नोन हो सकते इतने आसानी से उन्होंने किया है. लड़की को इस तरह से उठाया तो हो सकता है नोन भी हो सकते है, अननोन भी हो सकते हैं. दोनों तरह से मामला सीरियस है. और सरेआम अगर क्राउडेड प्लेस में भी इस तरह की अगर ये हकीकत इतना डेयरिंग अगर किडनैपर्स दिखाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की उनको कोई पड़ी नहीं है. और पुलिस के बारे में जो खौफ होना चाहिए कानून के बारे में वो उनके दिल में नहीं है. तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए गिरी हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फिर से उभारने की बहुत जरूरत है. और पुलिस आमतौर पर देखा जाता है कि दे गिव वेरी रूटीन आंसर्स देते हैं कि करेंगे, देखेंगे, हम लोग कर रहे हैं इस तरह से आराम से, तो वही आंसर्स एक्यूज भी देखते रहते हैं. तो उनको एक सख्त नोटिस देना चाहिए. सख्त मतलब इस तरह से मैसेज देना चाहिए कि उनको डर लगना चाहिए. और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो जो गर्ल की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैंने पूरा गुड़गांव की वारदात है तो कहीं ना कहीं सीएम को इंटरव्यू करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि पूरी स्टेट की सिक्योरिटी का सवाल. बिल्कुल बिल्कुल, सीएम को इमीडिएटली इसमें इंटरवीन करना चाहिए. ये आम पब्लिक में क्राउडेड प्लेस में इस तरह से होता है तो ये बहुत ही सीरियस बात है. इसको इतना इजिली सीएम ने एक हादसा करके उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. मैम ये भी देखने वाली बात होगी. आलोक लगातार हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी. आलोक, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, अगर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां साइबर सिटी में दिल्ली एनसीआर के इलाके में इस तरीके से घूम रही हैं और उस गाड़ियों में बदमाश मौजूद हैं तो ट्रैफिक पुलिस की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है? और पुलिस का मुख्य जो प्रशासन है वो ट्रैफिक पुलिस को लेकर, जो ट्रैफिक पुलिस की जिनकी ड्यूटी थी उस इलाके में, उनको लेकर क्या कोई सवाल पुलिस से किया गया है? चलिए आलोक से हम बात करने की कोशिश करेंगे, पंकज से हम बात करते हैं. पंकज, जिस तरीके से एक घटना सामने आई है अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात यह है कि एक बिना नंबर वाली गाड़ी आती है और जिस तरीके से अपहरण किया जाता है एक लड़की का और सरेआम सरे बाजार सुबह के 10 बजे जिसे पी कार्स कहा जाता है उसमें यह बदमाश एक लड़की को गाड़ी में डालकर उसे अगवा करके फरार हो जाते हैं. ये जिस तरीके से घटना हुई है कितना बड़ा सवालिया निशान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है हरियाणा में खास करके. जो बदमाश आए हैं और सुबह 10 बजे के करीब आते हैं तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बड़ी समस्या है और ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर वहां पर रेड लाइट भी है जहां पर अमूमन जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं. ऐसे में बिना नंबर प्लेट के साइबर सिटी में गाड़ी घूमना और इस दौरान उनकी हिम्मत जिस तरह से सरेआम बाजार के बीच में लड़की को लेकर जाना, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं. अब सवाल पूछे भी जा रहे होंगे कि क्या वजह रही, किस तरह से. फिलहाल जो है पुलिस बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द लड़की को बचाया जाए और पता लगाया जाए कि लड़की इस समय है कहां पर. जी, कोशिश यह है कि लड़की को बचाया जाए और पता ये लगाया जाए कि लड़की कहां पर. आलोक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी. आलोक, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, जिस इलाके में घटना हुई है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर एक बिना नंबर वाली गाड़ी में बदमाश आते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठ ही रहा है कि वो उस इलाके में क्या ड्यूटी दे रहे थे फिर. जी बिल्कुल, देखिए ये पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की घटना आई कहां से है और ये जो गाड़ी आई है लगभग मेन रोड पर जिस तरह से गाड़ी घूम रही है तो ट्रैफिक पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कभी ट्रैफिक पुलिस के जो आला ट्रैफिक पुलिस है कार फ्रीडे अभियान चलाते हैं, कभी कार फ्री डे के अभियान चलाते हैं, उस वक्त लगातार ऐसे कई चलाने भी काटी जाती है. उसके बाद भी अगर आम लोग हैं वो उन लोगों को भी सुधार बिल्कुल पुलिस सुधार नहीं पा रही है, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस वालों की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस रोड पे लगातार आए दिन बराबर हर चौक पे हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस की एक टुकड़ी तैनात रहती है. उसके बावजूद गाड़ी आई है और मेन रोड पर और ये छात्रा का अपहरण करके और इसमें जो युवक बैठे हैं वो लोग यहाँ से लेकर चले जाते हैं, फिर भी ट्रैफिक पुलिस
नहीं कर पाती है, अब तक इस गाड़ी का टेस्ट भी नहीं कर पा रही है कि आखिर वो गाड़ी गई कहाँ है। फिर ट्रैफिक पुलिस को भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके रहते हुए गुरुओं ने इस तरह की गाड़ी रही है, और लगातार जो जैसे छात्रा का अपहरण हुआ है छात्रा का, उसके बावजूद भी पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिर वो गाड़ी वहां से गई तो गई कहाँ। जी बिल्कुल, लगातार पुलिस अब तक ये पता भी नहीं लगा पाई है कि गाड़ी किसकी थी, गाड़ी में बदमाश कौन थे। कुमारी सैलजा इस मामले पर कुछ कह रही हैं, वो आपको सुना है। तो आपको हम सुनाएंगे, कुमारी सैलजा की प्रतिक्रिया अभी आने वाली है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी बता देते हैं आपको कि इस मामले को लेकर पुलिस के हाथ फिलहाल तो बिल्कुल खाली हैं। पुलिस ना तो ये पता लगा पाई है गाड़ी किसकी थी, पुलिस ना ये पता लगा पाई है छात्रा कौन थी जिसका अपहरण किया गया है, और पुलिस ना ये पता लगा पाई है कि अपहरण किस मकसद से किया गया है, कहां अपहरण करके ले जाया गया है, कौन लोग थे। ऐसे सबके सामने और ऐसे वक्त पर जब सारे सब लोग वहां पर घूम रहे हैं, हलचल हो रही है, और कुछ लोग ऐसी वारदात को अंजाम दें, ऐसा कार्य करें, ऐसी घटना हो कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, वरना कुछ तो डर होना चाहिए कि अगर ऐसा हम कार्य करेंगे तो हमें पकड़ा जाएगा, कुछ होगा। लेकिन जो मालूम पड़ा है अभी मीडिया के माध्यम से कि नंबर प्लेट भी नहीं थी और शीशे भी शायद टिंटेड थे, तो दोनों चीज ऐसी हैं जो आम नागरिक तो ऐसे कर ही नहीं सकता। ये कानून व्यवस्था जो प्रशासन है उसे देखना होगा, सरकार को देखना होगा कि कहाँ पर सख्ती बरतनी है, वरना दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ता ही जा रहा है। पर फिल्म चढ़ी हुई है और गाड़ी बिना नंबर प्लेट की है, ग्लास पर काले रंग की फिल्म चढ़ी हुई है, ये बड़ा सवाल है कि ऐसी गाड़ियां आखिर घूम कैसे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनके टिंटेड ग्लास है, जिनके शीशे पर से काले रंग की फिल्म नहीं उतारी गई है। लेकिन इस सबके बीच ये घटना जो आती है अपने आप में पुलिस प्रशासन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, और वो भी उस पुलिस प्रशासन के मुंह पर जिस पर साइबर सिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आलोक उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं लगातार। आलोक, जिस तरीके से ये घटना हुई है और जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे कुछ ही दिन पहले की अगर हम बात करें तो एक स्कूटी सवार गुड़गांव में सड़क पर दम तोड़ देता है, वहां लोग मदद के लिए आगे नहीं आ पाते, दूसरी तरफ ये इस तरह की घटना सामने आती है, गुड़गांव की इमेज आखिर बनती कैसी जा रही है? क्या साइबर सिटी के लोगों का जहनीयत जो है वो भी साइबर जैसी हो गई है, सिर्फ मशीनी होकर रह गई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आप बात कर रहे हैं कि आप जो हाईवे है NH6 हाईवे, तो उसमें स्कूटी चालक का जैसे जिस तरह से एक्सीडेंट हो गया था, वहां से लगभग सैकड़ों गाड़ियां निकली है, बल्कि उसके डेड उसके 100 के ऊपर से भी लगभग एक दर्जन गाड़ी वहां से निकली है, उसके बावजूद भी वहां जो खड़े लोग हैं उन लोगों ने मदद नहीं की, बल्कि गुड़गांव पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है गुड़गांव की मौके पर थी, उन लोगों ने भी गुड़गांव पुलिस के जवानों ने भी जल्दी एम्बुलेंस नहीं बुलवाया, वो लोग सिर्फ जाम खुलवाते रहे। लगभग 2 घंटे के बाद उस जो आलोक आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ है, क्या ये खबरें भी आ रही कि क्या वो कॉलेज की स्टूडेंट्स है? ऐसा इस बारे में अभी कोई क्लियर भी नहीं है, और हमारा क्योंकि 9:30 पे एग्जाम शुरू हो जाता है और 9 बजे हमारी तैयारी शुरू हो जाती है, और हम 9:30 के ऊपर जितने भी कोई बाहर का एलिमेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, और पूरी तरह से हम तैनात हैं, और हमारे कॉलेज के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, और बाहर कोई होता है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ना हमें पता है कि वो कॉलेज की स्टूडेंट थी या नहीं थी, या कोई बाहर का था या कौन था, इसके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं। लेकिन सर ये भी खबर ये भी कहा जा रहा है कि इंसिडेंट 9:50 का हुआ था, उस लड़की को बाहर से किडनैप किया गया था, तो क्या वो लड़की कॉलेज की है या नहीं, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी उनको सर्च करना है और जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्च करेंगे उसके बाद ही क्लियर होगा, अभी किसी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और कुछ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं उस एरिया में जहां किडनैपिंग हुई थी, या उसके अलावा कहीं और लगे? सीसीटीवी कैमरास जैसे मेन गेट पे लगे हैं, बैक साइड पे हमने गेट परमानेंट बंद कर रखा है, एक महीना हो गया, और एक ही गेट की एंट्री है, इस गेट पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो वो इंसिडेंट बैक साइड वाले गेट के ऊपर था, उसका हमें क्लियर पता नहीं ना किस साइड में कैसे हुआ है, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पुलिस को पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है? हाँ, 100% कोऑपरेशन। तो ये बड़ा बयान है कॉलेज के प्रिंसिपल का, जिन्होंने ये कह दिया है कि अभी तक तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो छात्रा कॉलेज की है या नहीं है, वो कॉलेज की स्टूडेंट है या नहीं है, वो स्टूडेंट ना भी हो सकती है, कॉलेज के बाहर से भी कोई लड़की हो सकती है। अभी हालांकि उन्होंने ये कहा कि
पुलिस जांच में वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कॉलेज के गेट पर उन्होंने बताया कि मेन गेट पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, पीछे की तरफ का गेट जो है वो परमानेंट बंद है, तो वहां से किसी के आने जाने का सवाल नहीं खड़ा होता। सामने की तरफ जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसकी फुटेज प्रोवाइड की गई है, और जिस तरीके से बयान दिया गया है ये मामले में एक नया मोड़ ला रहा है कि क्या ये युवती जिसका अपहरण किया गया ये कॉलेज की छात्रा है या नहीं है, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद कहा है कि अभी तक हम ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वो कॉलेज की स्टूडेंट थी या नहीं थी, क्योंकि कॉलेज में एग्जाम शुरू हो जाता है और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, और एग्जाम की तैयारियां होने की वजह से जिस तरीके से पूरे कॉलेज में तैयारियां थी वो ये नहीं कह पा रहे कि ये कॉलेज की छात्रा का ही अपहरण हुआ है या कोई बाहर से युवती थी। और कविता श्रीवास्तव इस वक्त वुमेन एक्टिविस्ट है, वो कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर। और उसके साथ क्या सलूक किया, जिस रफ्तार से महिलाओं के विरोध में हिंसा बढ़ रही है, उस वक्त यही लोग बीजेपी लोग अपोजिशन में थे जब निर्भया हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन देश में हुआ और ये लोग आके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भाई ये तो रेगुलेशन का मैटर है ना कि गाड़ी कैसे बिना नंबर की और कैसे किसी लड़की को उठा ले जाते हैं सड़कों पे। तो सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, और सवाल सबसे बड़ी बात है पुलिस की कार्रवाई को लेकर खड़े हो रहे हैं, जिसे जवाब देना होगा इस मामले को कम से कम लेकर, कि कैसे एक बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी, वो भी टिंटेड ग्लासेस के साथ, यानी ब्लैक फिल्म वाले ग्लास, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है कि कोई भी ऐसी गाड़ी पूरे देश में कहीं नजर नहीं आनी चाहिए जिसके गाड़ी के शीशों पर काले रंग की फिल्म चढ़ी हुई हो, एक तय हद से ज्यादा ब्लैक किया गया हो ग्लास को। लेकिन ऐसे में एक गाड़ी आती है जिसके शीशे पूरी तरह से काले हैं और जिसकी नंबर प्लेट नहीं है, और उस गाड़ी में बदमाश है, उस गाड़ी में बदमाश एक लड़की को अगवा करके फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े सुबह 10 बजे की ये वारदात, गुड़गांव की ये वारदात। पंकज लगातार हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। पंकज, दिल्ली में तो इस चीज को काफी हद तक यह माना जाता है कि पुलिस एक्शन में आई, पुलिस ने चालान काटे और इस चीज को तय किया है कि गाड़ियों पर इस तरह की टिंटेड ग्लासेस, कम से कम ऐसी गाड़ियां तो सड़क पर ना उतरें। लेकिन गुड़गांव में भी आप आते जाते रहते हैं, क्या गुड़गांव में पुलिस इस चीज को लेकर उतनी सरगर्म नजर नहीं आती? बिल्कुल, जिस तरह से अब घटना घटी है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर पुलिस के रवैये को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं, जिस तरह से रात को मौज मस्ती करते हुए जो युवक नजर आते हैं उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट कम ही होते हैं, और साथ में जिस तरह से शीशों पर काली परत लगानी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रही है। और देखने में होगा कि अब किस तरह से पुलिस नया मोड़ लेती है, क्योंकि 6 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक छात्रा का पता नहीं लगा पाई है पुलिस, और अभी तक यह भी नहीं पता लग पाया कि किस तरह से यह पूरी वारदात घटी है। सीसीटीवी की फुटेज की जो मदद ली जा रही है उसी के पहल पर पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन 6 घंटे की घटना घटने के बावजूद जिस तरह से जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, उनका एक जो बयान आया है वो भी हैरान करने वाला है कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि वो जो छात्रा है वो कॉलेज की है या नहीं है। इसे में कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ये भी बताया कि मेन गेट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अभी तक क्या उसमें किसी तरह की फुटेज में कुछ मिल पाया है, कहीं ना कहीं सवाल पुलिस के रवैये को लेकर। सवाल पुलिस के रवैये को लेकर खड़े हो रहे हैं। जगमति सांगवान इस वक्त कुछ कह रही हैं, मगर हम दर्शकों को सुना देते हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है, एक नौजवान लड़की दिन दहाड़े उसको उठा के उसके साथ बलात्कार किया गया और सीसीटीवी कैमरा में फुटेज होने के बावजूद अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और असल में तो इसलिए पंकज बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। पंकज कपाही मेरे सहयोगी दिल्ली से जानकारी दे रहे थे और आलोक उपाध्याय गुड़गांव से जानकारी दे रहे थे इस मामले को लेकर। आलोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीसीटीवी फुटेज अभी तक ये एक ऐसा सबूत है जो पुलिस के हाथ है, जो लगातार हम आपको दिखाने। साथ ही हम अपील करते हैं कि अगर आपने भी इस गाड़ी को कहीं देखा है, आपने ऐसी कोई संदिग्ध हलचल देखी है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर इत्तला दीजिएगा, जरूर सूचना दीजिएगा, आपकी कोशिश किसी छात्रा की या किसी युवती की जान बचा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।